नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोशी। राजधानी रांची के पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पेयजल स्वच्छता शीर्ष कार्य प्रमंडल विभाग में करोड़ों रुपए के घोटाले के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। बता दें कि यह कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है, इनका नाम संतोष कुमार है, जो कि अपने कुछ अन्य कर्मचारियों की मिलीभगत से इस घटना को अंजाम दिया है। संतोष कुमार ने घोटाले को अंजाम देने के लिए दो निजी कंपनियां बनाई और जिसके बाद 15 अपने निजी संबंधी लोगों के साथ उन्होंने खाता खोला, जिसके बाद रांची ट्रेजरी से लगभग 20 करोड़ रुपए नगद निकालकर इन खातों में डाल दिए। बता दें कि पेयजल विभाग ने साल 2012 में L&T कंपनी को रांची में पाइपलाइन बिछाने का काम दिया था, लेकिन कंपनी के बीच में ही काम बंद कर दिया, जिसके बाद कुछ लोगों ने साजिश रची और किए गए काम के बदले दोबारा फर्जी बिल बनाकर उस पर संबंधित लोगों के फर्जी हस्ताक्षर किए और ट्रेजरी में नए कोर्ट खुलवाकर L&T को जो भुगतान हुआ था उसको दोबारा भुगतान करवा लिया। बता दे, पहली बार में लगभग 1 करोड़, वहीं दूसरी बार में 6 करोड़ और तीसरी बार में लगभग 13 करोड़ रुपए ट्रेजरी से निकाले गए हैं। जानकारी के लिए आपको बता दे कि पैसे की निकासी के लिए अलग अलग बैंकों में खाते खुलवाए गए थे, जिसके बाद विभाग को मामले की जानकारी मिलने के बाद साल 2023 यानी कि पिछले साल रांची के सदर थाना में इस मामले को लेकर FIR दर्ज कराई गई। FIR दर्ज होने के बाद सही संतोष कुमार फरार चल रहा था। अब आपको बताते हैं कि आखिर ये संतोष कुमार है कौन। संतोष कुमार PhD प्रमंडल रांची में कार्यरत एक कर्मचारी था, जो कि कैशियर के पद में पदस्थापित था, जिसने विभाग से शहरी जिला पूर्ति योजना की राशि से लगभग 20 करोड़ रुपए का घोटाला किया। आरोपी के पास से 51 लाख रुपए बरामद भी किए गए हैं। आपको बता दें कि कर्मचारी संतोष कुमार ने अपने ससुराल और घर में गबन की गई राशि को छिपा कर रखा था। इधर संतोष को गिरफ्तार करने के लिए रांची के पुलिस ने एक SIT का गठन किया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि संतोष कुमार सुखदेव नगर इलाके में नजर आए हैं। मामले की सूचना मिलते ही संतोष कुमार को रांची पुलिस ने सुखदेव नगर थाना से धर दबोचा। सर, बड़ी क्वांटिटी है, भारी मात्रा में कैश बरामद है, कहां से कैसे? देखिए, ये PhD विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने FIR कराया था 2023 में। उस FIR में उन लोगों ने अपने इम्प्लॉई संतोष कुमार पर ये आरोप लगाया था कि इन्होंने लगभग 2.5 करोड़ का गबन कर लिया है। पुलिस ने जब अनुसंधान आरंभ किया तो अनुसंधान क्रम में यह ज्ञात हुआ कि यह गबन उससे कई गुना ज्यादा है। अब तक के अनुसंधान से जो प्रतीत हो रहा लग रहा है कि करीब 20 करोड़ तो गबन निश्चित ही हुआ है, हो सकता है यह राशि उससे ज्यादा भी हो सकती है। यह अगर अनुसंधान में स्पष्ट हुआ कि असली में कितने राशि का गबन हुआ है। यह अभियुक्त काफी चालाक था और बहुत दिनों से पुलिस की नजरों से फिरार चल रहा था। हम लोग उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीम बनाए थे, इसके लिए SIT भी गठित हुई थी। SIT कई जगहों पर छापेमारी कर रही थी। आज भी बिहार में 3 टीमें हमारी छापेमारी कर रही थी। इसके अभी एकाएक हमें सूचना मिली कि ये आदमी जो है रांची में आया है और रांची में इसकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी करने के बाद इसके पास से पैसा बरामद हुआ, फिर इसके निशानदेही पर भी पैसा बरामद हुआ, जो कुल अभी तक करीब 51 लाख रुपये बरामद हुए नगद। जिस समय इसके खिलाफ FIR हुआ था तो इसके बैंक खातों को बहुत सारा फ्रीज किया गया था, उसमें भी करीब पुलिस ने इसके लगभग 4.25 करोड़ रुपया फ्रीज किया था बैंक में। तो दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो लगेगा कि 4 करोड़ से ज्यादा की बरामदगी या फ्रीजिंग हो चुकी है। बाकी इसने अपने कॉन्फेशन में बहुत सारे पदाधिकारियों का नाम बताया है, जिसके भूमिका की छानबीन की जाएगी कि इसका कथन सत्य है, वो पदाधिकारी मिले थे या इनसे नहीं मिले थे, और इन्हें फिर द्वारा पुलिस रिमांड पर लेकर गहन पूछताछ की जाएगी। जो इनके विभाग से संबंधित है उनके लोगों को भी बुलाकर जो है पूछताछ होगी और हम लोग उसमें अनुसंधान में सहयोग लेंगे। हमको लगता है कि ये बहुत बड़ा घोटाला है जिसका खुलासा पुलिस ने किया है। अभी तक लग रहा है प्रतीत हो रहा है 20 करोड़ का घोटाला हुआ है, लेकिन ये राशि उससे बढ़ भी सकती है, पर अभी एग्जैक्ट क्वांटिटी बताना मुश्किल है। अभी हम उसको गिरफ्तार किए हैं, पूछताछ होगा, फिर उसे कागज का सत्यापन होगा, तब हम लोग उस राशि को एग्जैक्टली बता पाएंगे। अभी यह अनुसंधान का विषय है, यह राशि अनुमान के आधार पर बताई जा रही है। वरिष्ठ पदाधिकारियों का भी, हाँ, वरिष्ठ पदाधिकारी भूमिका ये खुद ही कह रहा है, पर यह सच कह रहा है या नहीं इसकी छानबीन आवश्यक है। MO बहुत डिटेल में भी बताना उचित नहीं है, पर इतना है कि जो बहुत सारे पैसे जो डिपॉजिट रहते हैं ट्रेजरी में, वह पैसा जिनका डिपॉजिट रहता है, जिन कॉन्ट्रैक्टर का रहता है, उनको न देकर यह अपने खाते में पैसे जमा करता था, जो सीधा सीधा MOA है। इधर संतोष
संतोष को गिरफ्तार करने के लिए रांची के एसपी के नेतृत्व में एक एसआईटी का गठन किया गया, जिसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि संतोष कुमार सुखदेव नगर इलाके में नजर आए हैं। मामले की सूचना मिलते ही संतोष कुमार को रांची पुलिस और उसकी पूरी टीम ने मिलकर गिरफ्तार किया है। बता दें कि संतोष कुमार के पास से 51 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। वहीं पुलिस के अनुसार इस मामले में कई अन्य कर्मचारी की मिलीभगत भी सामने आई है और मामले की जांच अभी भी जारी है, जिसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल अब तो ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले पर क्या कुछ नए खुलासे होते हैं और किन लोगों का नाम सामने आता है। तब तक